विधानसभा चुनाव को कुछ महीने ही शेष रह गए हैं। ऐसे में विपक्षी दल बीजेपी सभी वर्गों को साधने में जुट गई है और इसी सिलसिले में बीजेपी अब कथित पीएससी घोटाले को मुद्दा उछालकर युवाओं को अपने पाले मिलाने की जुगत में लगी है। यही वजह है कि बीजेपी ने अपने युवा ब्रिगेड को मैदान में उतार दिया है और साथ ही बीजेपी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सीबीआई जांच की मांग भी की है। उधर भाजयुमो की मांग पर सीएम ने कहा कि अगर तथ्यात्मक गड़बड़ी है तो जांच हम स्वयं करवाएंगे। देखिए इस रिपोर्ट में। पीएससी मामले को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के लोग सड़कों पर उतर आए हैं। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या भी राजधानी रायपुर के प्रदर्शन में शामिल रहे। इस दौरान तेजस्वी सूर्या ने छत्तीसगढ़ के पीएससी एग्जाम को मोस्ट करप्ट सिस्टम बताते हुए इस एग्जाम की सीबीआई जांच की मांग की। भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा के बाकी राज्यों की अपेक्षा छत्तीसगढ़ में पीएससी सिलेक्शन सबसे करप्ट और मैनिपुलेट है। एग्जाम को स्पेसिफिकली एक दुरुद्देश के साथ एक साजिश के आधार पर टफ कर जिसको सेलेक्ट करना पहले ही तय होता है उनको आंसर शीट्स लीक कर दिया जाता है और उन लोगों का ही पास हो जाता है। ऐसे एक बहुत ओपेक सिस्टम, बहुत करप्ट और मैनिपुलेटिव सिस्टम आज सीजीपीएससी में जारी है और जो बच्चे यहाँ तैयारी कर रहे हैं वो आम परिवार से आते हैं, सामान्य परिवार से आते हैं। 3-4 साल लगातार प्रयास कर एक प्रकार के तपस्या कर इस एग्जाम को पास करने के लिए प्रयास करते हैं, पर जब सिस्टम ही उनके खिलाफ होते हैं तब हतोत्साहित हो जाते हैं, डिमोरलाइज हो जाते हैं और पूरे सिस्टम के ऊपर जो भरोसा होते हैं एक युवाओं का वो पूरा भरोसा टूट जाता है।